अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज हम कोई कुकिंग नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने नवा ओवन ले लिया है। मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि मैं कोई ओवन लूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह का या किस कंपनी का ओवन लूँ। तो आज चूँकि मैंने नेक्स का ओवन ले लिया है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो मैंने जो है इसका मॉडल नंबर 3072 लिया है। इसमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं, रोस्टिंग भी कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं, टोस्टिंग कर सकते हैं। इसमें उन्होंने सारे प्रोसेसेस दिए हुए हैं, आप जिस तरह की चाहे इसमें बेकिंग कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करनी थी, तो मैंने सोचा हम मिल के इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया है। अगर आप चाहें तो एनएक्स के ऑनलाइन पेज से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जिस तरह आपको ठीक लगे आप वैसे करें। यहाँ पे उन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज रेंज लिखी हुई है। 2000 वाट पे ये ऑपरेट होगा। अगर आपने अपने घर के लिए ओवन लेना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इलेक्ट्रिक ओवन ही लें। लेकिन अगर आपने कमर्शियल लेवल पे यूज़ करना है, तो आप बेशक गैस ओवन यूज़ करें, लेकिन अगर आपने घर के लिए यूज़ करना है, तो फिर आप इलेक्ट्रिक ओवन को ही प्रेफर करें। क्योंकि गैस ओवन को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक ओवन। और चूँकि हमने इसको घर पे नॉर्मली डेली तो यूज़ करना नहीं होता, तो बिजली का भी कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता कि ज़्यादा बिल आएगा या इस तरह का कोई मसला होगा। यहाँ पे इन्होंने इसकी फंक्शंस रेंज जो है वो शो करवाई है। आप इसमें बारबेक्यू कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं, कपकेक्स बना लें, या आप इसके अलावा इसमें केक बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, और रोस्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह से सारी रेंज इन्होंने शो करवाई है। तो चलें अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसके साथ उन्होंने इसकी सारी एक्सेसरीज दी हुई हैं। इसको अभी हम साइड पे रखते हैं और ओवन को जो है वो बॉक्स में से बाहर निकाल लेते हैं। ये इसका मैनुअल है और ये इसका जो है वारंटी कार्ड है। 2 साल की इसकी वारंटी है। मैनुअल को हम देख लेते हैं। मैनुअल में उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं कि आपने इसे किस तरह से यूज़ करना है। ये है जी इसकी लुक। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लग रही है और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। फ्रंट पे इसका ग्लास डोर है और प्लग इसका 2-पिन प्लग है। इस ओवन के साथ अगर आप अपनी होम बेकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशियस है। इसमें बड़े साइज़ का केक या लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा इजीली बन सकता है। और इसके ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोफेशनल ओवन है। अब इसको अंदर से देख लेते हैं। 3 हीटिंग रॉड्स जो हैं वो इसके नीचे लगे हुए हैं और 3 ही हीटिंग रॉड्स इसके ऊपर वाली साइड पे लगे हुए हैं। ये इसमें लाइट लगी हुई है और इसके अलावा कन्वेक्शन फैन भी है, ताकि हीट जो है वो ओवरऑल सारे ओवन में स्प्रेड हो सके। यहाँ पे ओवन का रैक और बेकिंग ट्रे एडजस्ट होगी। तो चलें अब चलते हैं हम इसकी एक्सेसरीज की तरफ, के इसके साथ हमें क्या क्या मिला है। हमें चिकन के लिए रोटिसरी फोक्स मिले हैं, मतलब जैसे हमने शवारमा वगैरह के लिए चिकन बनाना हो या सब्जी टाइप जो है चिकन बनाना हो, तो वो हम इस पे आसानी से बना सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास रोटिसरी हैंडल है, मतलब हम डायरेक्ट उसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी हीट अप हो चुका होता है, तो हम उसके लिए इस हैंडल का इस्तेमाल करेंगे और इसके थ्रू उसको बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट जो इसके साथ हमें एक्सेसरी मिली है वो है बेक ट्रे। इसमें आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो बेक कर सकते हैं, जैसे आप इसमें कुकीज़ बना सकते हैं और बेक्ड पोटैटोज बना सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस ट्रे के अंदर बनाएंगे। इसके अलावा हमें बेक रैक मिला है और ये हमारे पास जो है स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। इसके अलावा हमें स्टेनलेस स्टील के 8 से 10 जो हैं वो बारबेक्यू स्क्वायर्स मिले हैं, और ये जो दो हैं ये हॉट ट्रे को पकड़ने के लिए हैंडल हैं ताकि हॉट ट्रे जो है वो आसानी से हम ओवन में से बाहर निकाल सकें। ये जो दो हैं इसमें जो है हम स्क्यूअर्स को फिक्स करेंगे और फिर बाद में उसमें बारबेक्यू बनाएंगे। अब आ जाते हैं जी इसके नॉब्स की तरफ। ये फर्स्ट है टेम्परेचर नॉब, मिनिमम से स्टार्ट हो के आप इसको 230 तक कर सकते हैं। उसके बाद है फंक्शन, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर टाइमर, जो भी आपने जितने टाइम के लिए जो है बेकिंग लगानी है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं रैक लगा दूँगी और यहाँ पे जो है वो ओवन ट्रे लगा दूँगी। ये तो थी एनएक्स ओवन की डिटेल्ड अनबॉक्सिंग। नेक्स्ट मैं आऊँगी इसके डिटेल्ड रिव्यू के साथ कि इसकी वर्किंग कैसी है। अगर आप भी न्यू ओवन लेना चाहते हैं और ओवन की चॉइस को लेके कंफ्यूज हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।